नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग न्यूज़। दोस्तों, आज के ट्रैवल न्यूज़ में मैं आपको विलासगढ़ पोर्ट को दिखाने वाला हूं। इसे सुक्षेत्र मल्लिकार्जुन या मल्लिकार्जुन टेंपल हिल स्टेशन नाम से भी लोग जानते हैं। विलासगढ़ पोर्ट और मल्लिकार्जुन दोनों एक ही है। अब आपको मेरे पीछे जो एक बड़ा पहाड़ दिख रहा है ना, उसके बीच में है मल्लिकार्जुन टेंपल और पहाड़ के टॉप पर है विलासगढ़ पोर्ट। चलिए हमारी जर्नी को शुरू करेंगे। विलासगढ़ पोर्ट या सुक्षेत्र मल्लिकार्जुन महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले के वाड़वा तालुक के एड़ेनिपानी गांव के पास स्थित है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सांगली से ये जगह 37 किलोमीटर दूरी पर है और ये विलासगढ़ पोर्ट कोल्हापुर सिटी को भी नज़दीक होता है। कोल्हापुर से ये जगह 38 किलोमीटर दूरी पर है। ये प्लेस कोल्हापुर कराड़ हाईवे को नियरेस्ट ही है। आप यहाँ अपने व्हीकल्स को लेकर आ सकते हैं। अच्छा रास्ता भी है और पार्किंग के लिए जगह भी है। पार्किंग प्लेस से मल्लिकार्जुन टेम्पल तक जाने के लिए हमें इस तरह के सीढ़ियों को बनाया गया है। इन सीढ़ियों को चढ़कर ही हमें ऊपर जाना पड़ता है। लगभग एक घंटा लगता है। चलिए जाएंगे। यदि आप यहाँ ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इस पहाड़ के आसपास के गांवों से इस पहाड़ को चढ़ने के लिए छोटे छोटे पहाड़ी रास्ते हैं, उधर से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। लेकिन इधर आने के लिए ये चलते जाने वाले रास्ता ही सेफ है, क्योंकि अच्छा सीढ़ियों को बनाया गया है और ये क्लीन भी है और सेफ भी है। मुझे तो जंगल में चलते जाने जैसा फील हो रहा है। मुझे लगता है कि इधर कुछ स्नेक्स और जंगली जानवर भी होंगे। पहाड़ी इलाका है तो सांप और जंगली जानवर तो होंगे ही ना, क्योंकि ये उनका इलाका है, उनका ही हुकूमत चलेगा। इसलिए बी केयरफुल व्हाइल क्लाइंबिंग हियर। दोस्तों, अब मैं आपको एक अमेजिंग चीज़ को दिखाता हूँ। इधर कुछ अच्छे लोग पक्षियों को पानी पीने के लिए कुछ आर्टिफिशियल एंड बेस्ट पॉट्स को भी बनाए हैं। मैं उनको अब दिखा रहा हूँ। देखिए, क्रिएटिविटी देखिए दोस्तों। प्लास्टिक का बाटल को कट करके उसको एक तार को ऐड करके इधर ही पेड़ को लटकाया है। इधर देखिए दोस्तों, एक मिट्टी का पुराना पॉट है, उसको ही इस्तेमाल करके पक्षियों को पानी पीने के लिए व्यवस्था किए हैं। इसे जो लोग किए हैं ना, उनके लिए एक लाइक दीजिए। इस पहाड़ के ऊपर घना जंगल भी ग्रो हुआ है। इधर बीच में एक बड़ा चट्टान के ऊपर श्री क्षेत्र मल्लिकार्जुन लिखा गया है। आप इसे देखना मत भूलिए। ये भी एक अमेजिंग आर्ट वर्क है यहाँ का। इस हिल स्टेशन में एक पुरातन शिव मंदिर है, उसका नाम है मल्लिकार्जुन। इसलिए इस हिल स्टेशन को मल्लिकार्जुन टेंपल हिल स्टेशन नाम आया है। ऐसा देखा जाए तो मल्लिकार्जुन हिल्स महादेव माउंटेन रेंज में आता है। इस जगह को ऐतिहासिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व भी है। दोस्तों, अब मैं आधा रास्ता को कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी भी आधा रास्ता चढ़ना बाकी है। इन सीढ़ियों से जाना थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसलिए इधर एक छोटा सा चोर रास्ता मिला है, यानी शॉर्टकट रास्ता मिला है, इससे जा रहा हूँ। इस चोर रास्ता को इनोवेशन की है मायाश्री माली, सांगली का फेमस लोगर, ऐसे लोग कहते हैं। मैं तो कभी देखा नहीं हूँ, पहली बार ही इधर इसे देख रहा हूँ। पहली बार ही आई है, कैसा है एक्सपीरियंस? दोस्तों, अब मैं फाइनली मल्लिकार्जुन मंदिर तक आके पहुँचा हूँ। इधर मैं कितने सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर आया हूँ एग्जैक्टली पता नहीं है, मैंने तो काउंट नहीं किया। फिर भी एक अंदाज से मैं कह सकता हूँ कि इधर 700 to 800 सीढ़ियाँ तो है।
उधर आपको नीचे एक रास्ता दिख रहा है ना, उधर से ही मैं चलते आया हूँ। दोस्तों मुझे देख के आपको आइडिया आया होगा मैं एक छोटा हाथी हूँ। यूजुअली मैं तो मेहनत करता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ क्रिएटिव कामों को करता हूँ। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ। हरी एयरपोर्ट को भी चढ़ा हूँ मैं, लेकिन उधर इतना एक एफर्ट नहीं लगा था, लेकिन इधर तो पसीना आ गया। इस पहाड़ के ऊपर एक बड़ा गुफा के अंदर श्री मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है। अब मैं मल्लिकार्जुन मंदिर के सामने ही खड़ा हूँ, चलिए अंदर जाके दर्शन लेके आएंगे। यही है पुरातन श्री मल्लिकार्जुन मंदिर। ये बहुत ही पुरातन मंदिर है, आप यहाँ देख सकते हैं एक बड़ा गुफा है। एक बड़े चट्टान को काट के ही इस गुफा मंदिर को इधर बनाया गया है। आई थिंक मे बी ये यादवों के काल में बना होगा। इधर है श्री मल्लिकार्जुन मंदिर। इस मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे एक माइथोलॉजिकल कनेक्शन भी है। ऐसा कहा जाता है कि अगस्त्य ऋषि और उनकी पत्नी लोपमुद्रा इस पहाड़ के ऊपर तपस्या करके एक शिवलिंग को प्रतिष्ठापन किए थे, उसका नाम है मल्लिकार्जुन। यही है वो मल्लिकार्जुन शिवलिंग। इस मंदिर की वजह से ही इस बड़े हिल स्टेशन को मल्लिकार्जुन हिल्स नाम आया है। इस मल्लिकार्जुन मंदिर के गर्भगुड़ी के इस साइड में और एक छोटा गर्भगृह है, इसमें एक टेढ़ा गर्दन का नंदी है। आप इस नंदी को ध्यान से देखिए, इसका गर्दन सीधा नहीं है, इसका गर्दन टेढ़ा है। इसके पीछे भी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती देवी ने नंदी को एक काम बताया था, लेकिन नंदी उस काम को ठीक से करता नहीं। तब पार्वती देवी गुस्से में आकर उसको एक चाटा मारती है, तब नंदी का गर्दन थोड़े समय के लिए टेढ़ा हुआ होता है। उस कहानी से इंस्पिरेशन लेके ही इस टेढ़ा गर्दन का नंदी को यह उस समय बनाया गया है। इस बड़े गुफा मंदिर के अंदर और भी छोटे छोटे मंदिर है, जैसे कि कोटलिंग मंदिर और इसके बगल में सासुरवासिनी मंदिर, और इस तरफ गणेश जी का भी एक सुंदर मंदिर है, और इसके बगल में नाग देवता का मंदिर है। और गणेश जी के मंदिर के पीछे कार्तिक स्वामी जी का भी एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन अब ये बंद है, विशेष समय में ही ये ओपन रहता है, और उनका ही छोटा एक मूर्ति है। और इस तरफ इधर श्री उमाशंकर और भीमाशंकर छोटे छोटे देवों का मंदिर है। सभा भवन के मुख्य दिशा के तरफ और एक बड़ा शिवलिंग है, इसे स्वयंभू सोमनाथ कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में एक आता है ना, सौराष्ट्र का सोमनाथ, उसका ही ये मंदिर है ऐसा कहते हैं। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर का दर्शन तो हो गया, अब हम विलासगढ़ को देखेंगे। विलासगढ़ इस पहाड़ के टॉप पर है। इस मंदिर से थोड़ा ही ऊपर चलते गए तो आपको विलासगढ़ दिखता है, चलिए उसे भी देख के आएंगे। दोस्तों अब विलासगढ़ पोर्ट कम्प्लीटली बचा नहीं है, सिर्फ अवशेष बचे हैं। फिर भी हम देखेंगे पहले यहाँ क्या क्या था और अब क्या क्या बचा है। इधर गुफा के अंदर छोटे छोटे पानी का टंकियाँ भी है। पोर्ट के ऊपर पानी का स्टोरेज के लिए इस तरह के छोटे छोटे टंकियों को पूर्वज लोग बनाते थे। दोस्तों पोर्ट के ऊपर तक जाने के लिए इस तरह का एक पहाड़ी रास्ता है। इधर आपको ट्रैकिंग का फील होगा। मल्लिकार्जुन मंदिर तक तो आने के लिए अच्छा रास्ता है, मल्लिकार्जुन मंदिर से ऊपर विलासगढ़ पोर्ट तक आने के लिए इस तरह का कच्चा रास्ता है।
बारिश में पानी इधर से बहता जाता रहता है। रेनी सीजन विलासगढ़ पोर्ट को आने के लिए बेस्ट टाइम है। आप मल्लिकार्जुन मंदिर को कभी भी आ सकते हैं। श्रावण मास में और महाशिवरात्रि के समय में इधर विशेष पूजा होती रहती है, तब आप यहाँ आ सकते हो। हर सोमवार के दिन भक्तों का इधर भीड़ रहता है। अब मैं संडे आया हूँ इसलिए थोड़ा भीड़ कम है। इधर भी एक छोटा पानी का टंकी है लेकिन इसमें अब कचरा पड़ा है, खाली है। दोस्तों इधर से व्यू देखिए, मेरे पीछे आसपास का पूरा इलाका दिखता है और इधर नीचे मल्लिकार्जुन टेम्पल भी दिखता है। अब तो असली चैलेंज आया है। अब मुझे लग रहा है कि मैं एक किले को चढ़ रहा हूँ। साहस तो है। आज घर को वापस जाके बहुत खाना खाना पड़ेगा, बहुत कैलोरी बर्न आउट हो चुकी है। ये होगा किले का महाद्वार का अवशेष या किले का तटबंदी का अवशेष। और इधर है एक भगवा झंडा, हमारी शान। ये है चूने का घानी यानी लाइम क्रशर। पुराने जमाने में इस तरह का चूने का घानी बनाते थे और इसमें चूने का पत्थर होता है ना, लाइमस्टोन्स, उनको डालते थे और एक बड़ा चक्र को लेके बैलों के मदद से घुमाते थे और लाइमस्टोन को पूरा चूरा चूरा करते थे और इस लाइम को किले का निर्माण में इस्तेमाल करते थे। ये एक चूने का घानी है। इधर एक पुरातन मंदिर का अवशेष भी है। अब इसके अंदर तो कोई मूर्ति नहीं है और इसके बगल में एक पुरातन दरगाह भी है, चांद बुकारी बाबा दरगाह नाम से, और इसके बगल में विठल रुक्मिणी का भी एक छोटा सा मंदिर है। इधर एक सीक्रेट टनल भी है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये कैसा दिखता है अब मैं आपको दिखाता हूँ। इधर एक पुरातन किले का अवशेष भी है। इस किले का कंस्ट्रक्शन के बारे में मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स पता नहीं है, बट मैं श्योरली ये कह सकता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय में ये किला मराठा साम्राज्य में शामिल हुआ होगा। मैं तो अब संपूर्ण किले को एक राउंड मार के आया हूँ लेकिन इधर का स्ट्रक्चर देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो सिर्फ एक सर्विलेंस पोर्ट था, मतलब आसपास के जगहों पर नज़र रखने के लिए बनाया हुआ एक निगरानी किला था। सेफ्टी किला का तो नामो निशान नहीं है, मतलब बड़ा बुरुज भी नहीं है, बड़ा तटबंदी भी नहीं है और किले के साइड में केनाल भी नहीं है और उसमें जहरीले सांप और मगरमच्छ छोड़ के प्रोटेक्शन करने का इस तरह का कुछ भी प्लान नहीं है। एक सिंपल पोर्ट है, सिर्फ सिंपल सर्विलेंस पोर्ट है। पहले इसे बाले किला कहते थे, अब इसे विलासगढ़ नाम दिया गया है। इधर एक छोटा कुआं भी है, इसे कुछ लोग घोड़े का तालाब कहते हैं। इनको पुराने ज़माने में घोड़ों को पानी पिलाने के लिए और उनको नहाने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए बनाए जाते थे। ये तो कन्फ्यूजन में है, छोटा कुआं तो है
घोड़े का तालाब है या पानी पीने का छोटा कुआं है, एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन कुछ तो है। दोस्तों, यदि आप भी अपना खुद का एक YouTube चैनल बना के अपने नॉलेज को पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो YouTube चैनल क्रिएशन, मोनेटाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं तो आप www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। ये था विलासगढ़ पोर्ट या सुक्षेत्र मल्लिकार्जुन टेम्पल का एक कम्प्लीट टूर। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, रोरिंग न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ प्राउडली शेयर कीजिए, सांगली टूरिज्म को प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।